स्कॉर्पियो NZ6 2023 BS6 फेज 2 गाड़ी आ गई है जी। और हाँ, मैनुअल ट्रांसमिशन ये बताना भूल गया था, जितना लंबा नाम हो सके कर लो। अब उसके बाद पॉइंट आता है कि यार आपने मॉडिफिकेशंस क्या क्या करवाई, वो मैंने आपको दिखा दी। फिर पॉइंट आता है कि जी अलॉय कहाँ से डलवाए, वो भी मैंने आपको दिखा दिए। अब जो एक लास्ट पॉइंट बचा है वो है कि भाई हेडलाइट्स का क्या सीन है। येलो लाइट्स 18-20 लाख की गाड़ी में किसी को भी चलाना पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बात आती है कि हेडलाइट्स में क्या करें, ZL वाली अपग्रेड करें, Z6 वाली रिटेन कर लें, या फिर इसमें LEDs जलवा लें, HIDs जलवा लें, क्या करें। इस सारे के सारे टॉपिक पे पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द व्हीकलहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो NZ6 के हेडलाइट अपग्रेड के बारे में। देखो, अब मैंने इस चीज के ऊपर R&D करना शुरू कर दी थी जिस दिन गाड़ी मार्केट में आई थी उसी दिन। और गाड़ी मार्केट में आई थी से आई डिडंट मीन कि जब Z6 मार्केट में आई, जिस दिन Z8L आई थी, मैं उसी दिन अलग अलग दोस्तों के पास जाके जिन्होंने ले ली थी या फिर अलग अलग शोरूम्स में जाके गाड़ी की हेडलाइट्स की थ्रो देख के आ रहा था। और मुझे थ्रो ठीक लग रही थी, कोई बहुत खास नहीं लग रही थी, बट ठीक लग रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक। बट एक प्रोस्पेक्टिव ये भी था कि पहले मेरे पास ब्रेजा थी जिसकी हेडलाइट्स काफ़ी बढ़िया थी, दो वो येलो बीम में आती थी मगर काफ़ी बढ़िया थी, दोज वर रिच हेडलाइट्स। उसके बाद ब्रेजा का जो नया फेसलिफ्ट आया उसकी भी हेडलाइट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी उसकी। तो इनफैक्ट मैं कहता हूँ इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया, भाई 12-15-18 लाख की हेडलाइट्स में से मैंने स्टॉक हेडलाइट्स उससे अच्छी मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी में देखी होंगी, इतनी बढ़िया हेडलाइट्स थी उसकी। उसके बाद आ जाते हैं अपनी बलिनो पे, भाई बलिनो की छोटी सी हेडलाइट है, सिंगल प्रोजेक्टर है, स्टिल उसकी थ्रो बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर लेजेंडरी अगर हेडलाइट्स की बात करूं तो वो थी आपकी पुरानी वाली स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्लासिक बोल लो, S11 बोल लो, S10 बोल लो, जो भी पुरानी वाली स्कॉर्पियो में हेडलाइट्स आती थी उनकी भी बहुत गजब थ्रो थी। उनमें जिन लोगों ने LEDs अपग्रेड की हैं मैंने देखी हुई है, भाई सड़कें पूरी रोशनी रोशनी हो जाती थी। सो अब मेरे पास तीन ऑप्शंस थे हेडलाइट्स के अपग्रेड्स के लिए, एक HID, एक LEDs और एक था टॉप मॉडल वाली हेडलाइट्स डलवा लूं। पर्सनली मैं अपनी वरना EX वेरिएंट है तो उसकी वजह से यूज करता हूँ हेलोजन्स जिनमें प्रोजेक्टर नहीं आता, तो इतनी खराब थ्रो है कि रात में मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं थोड़ा भी तेज चल सकूं। और अगर होने लग जाए बारिश तो उस पर 40-50 की स्पीड पे भी आप नहीं चल सकते, आपको कुछ दिखता ही नहीं है। जब ये सारी प्रॉब्लम थी तो मैंने सोचा था कि चुपचाप टॉप मॉडल वाली हेडलाइट्स अपग्रेड करूंगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराऊंगा। मेरे को अपनी गाड़ी इस बार स्टॉक रखने का बड़ा ज़्यादा मन था क्योंकि मैं आफ्टर मार्केट वाले जो हेजल्स हैं वो नहीं झेलना चाहता था, तो मैंने वैसा ही किया ऑलमोस्ट। बट क्या किया ये भी आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले लिया कि कंपेयर किया मैंने HIDs और LEDs को, भाई सीधा सीधा मेरा विन था LEDs, क्योंकि HIDs उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है मेरे यूजेज के हिसाब से। आपकी यूजेज के हिसाब से अलग हो सकता है, आपकी फाइंडिंग्स अलग हो सकती हैं, मेरे को HIDs LEDs से कम वर्दी लगी। फिर मैंने सोचा LEDs ठीक है इधर, और दूसरा हेडलाइट्स का ऑप्शन ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शंस में मैं एंड तक जिस टाइम डलवाई ना उसके एक मिनट पहले तक कंफ्यूज था कि करूं क्या, इसीलिए मैंने जे ऑटो वाले जो भैया हैं उनके पास से LEDs नहीं अपग्रेड कराई, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा था क्या करूं। और वहां मैं दिन में था, मैंने एक दो जगह करोल बाग में भी बात की, एक दो जगह जम्मू में भी बात की कि क्या करना चाहिए। जिस भी आदमी से मैंने बात की है सबने मेरे को यही सजेस्ट किया कि अगर लुक्स के लिए जाना है तो ZL वाली हेडलाइट्स आर अमेजिंग नो डाउट, बट दे आर गोना कॉस्ट यू 30-32,000 रुपीज, और उसके बाद भी यू हेडलाइट थ्रो और विजिबिलिटी इज गोइंग टू बी जस्ट समथिंग जो बड़ी नॉर्मल सी है, कोई अच्छी थ्रो नहीं है, आपको हाईवे पे रात को कॉन्फिडेंस नहीं देगी। उसके बाद आ गया मैं LEDs के ऊपर, और एक ऑप्शन मेरे पास था हेडलाइट्स टॉप मॉडल वाली अपग्रेड करूं और साथ में हेला का एक बार लगा लूं जो 20 इंच का आता है ब्लैक मैजिक, मुझे बहुत बढ़िया बार लगा था पर्सनली, बड़ी अच्छी थ्रो और सब कुछ बढ़िया। दो तीन मेरे एक ग्रुप है फेसबुक पे ओनर्स का स्कॉर्पियो एन के, उसमें ग्रुप में मैंने देखी दो तीन लोगों ने डलवाई हुई है, तो उसका भी मैंने देखा, मुझे वो भी ठीक ऑप्शन लगा। बट अगेन मेरी कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जानी थी उसमें, 30,000 की हेडलाइट्स
और 20,000 के आसपास का बार, अगर वो भी पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको अजूम की या किसी और ब्रांड की ऑक्सिलरी लाइट्स की तरफ जाना पड़ता, जो कि अगेन 20,000 के आसपास होती। तो इतनी कॉस्टिंग भी मैं स्पेंड नहीं करना चाहता था, एंड स्टिल आफ्टर मार्केट काम जो कि कल को वारंटी में भी नहीं आएगा, इंश्योरेंस में भी नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अब मैंने जब सबसे सजेशन लिए कि क्या करूँ और मैंने लुक्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो मैंने डलवा ली LEDs। अब पहले आप देख लो LEDs की इंस्टॉलेशन कैसी हुई थी, उसके बाद मैं इसकी थ्रो का आपको बताता हूँ। तो भाई साहब अभी आए हैं हम करोल बाग, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बड़ी मुश्किल से इधर अभी गाड़ी फंसाई है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। अब तो चलो क्लियर हो गया, अब गाड़ी की हेडलाइट्स अपग्रेड कर रहे हैं, बताता हूँ कौन सी है क्या की है सब कुछ, सारी डिटेल मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। पहले एक बार फिट हो जाए, मैं आपको इसकी थ्रो चेक करवा दूँ, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स दूंगा मैं इसकी। भाई अभी एक साइड पे LEDs इंस्टॉल हो गई हैं अपनी, और एक साइड पे अपनी नॉर्मल हेलोजन चल रही हैं। तो फिलहाल जो फ़र्क दिखाई दे रहा है वो तो कुछ ऐसे है, ये हेलोजन्स और ये LEDs, ठीक ठाक ही लग रहा है फ़र्क। बाकी अब एक बारी किसी अंधेरी रोड पे लूँगा और उसके बाद देखूँगा, फिर मैं सही से कंफर्म करता हूँ कि क्या ये वर्थ हैं भी हैं या नहीं, सारा कुछ अभी बता दूँगा आपको मैं, सारा कुछ ही आपको 2-3 मिनट में पता लग जाएगा। ओके सो एज आई वॉज क्यूरियस अबाउट दिस, तो मुझे लगता है आप लोग भी होंगे, मैंने इनसे फिटमेंट का देखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये है LED बीच में लगी, भैया बताते जाना समझाते जाना। भैया ये ओरिजिनल कपलर है आपका, ठीक है, ये हमने LED लगा दी है इसके अंदर, ठीक है, ये पहले इसका होल्डर लगता निकल के, ठीक है, उसके बाद में ये फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है, उसके बाद ये कपलर टू कपलर है सारा, ये हम कपलर से ऐसे लगा देते हैं बस, ठीक है, प्लग एंड प्ले, ओके, ठीक है, अभी ना कोई वायरिंग कटी ना कुछ, ठीक है ना, ये और ये सारा अंदर ही चला जाएगा, इसमें पैक हो जाएगा, ठीक है ना, और आपका प्रॉपरली तो जो पीछे बताओ, जो फैन है इससे डस्ट तो नहीं जाती अंदर जब पैक करते हैं? नहीं, डस्ट नहीं जाती, और वो हीटिंग मतलब हीटिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है अंदर ही? हाँ, क्या है इसके अंदर जो कंपनी का भी लगा होता है ना, उसके लिए हीट निकलने के लिए जगह बनाई हुई होती है। अच्छा, होती है, हाँ, तो ये वहीं से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है ये पूरा। अब जैसे कंपनी का 30-35 वॉट का है, ये वाला ज्यादा वॉट का है, तो इससे कोई वो मतलब लोड वगैरह या इस टाइप का? इसके अंदर ये जो ब्लास्ट अप दिया हुआ है सारा काम ये करता है, वहाँ से लोड लेता काम, यहाँ से देता है ये LED को ज्यादा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी थ्रो की विजिबिलिटी की, जो मेरे सबसे बड़े बड़े कंसर्न थे। भाई अजूम की LEDs हैं ये 130 वॉट वाली, और इनकी थ्रो मुझे पर्सनली इतनी बढ़िया लगी कि मैं बता नहीं सकता। अलंकृत, व्हाट वाज योर रिव्यू? देखो यार, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, सही। अगर अभी हम कैमरे में आपको दिखाएंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी टू ब्राइट फॉर यू ऑल। मैं एक क्लिप पहले पेस्ट कर रहा हूँ, ये नॉर्मल मैंने वीडियो के प्रोस्पेक्टिव से नहीं बनाई थी, मैंने अपनी स्नैपचैट पे स्नैप्स बनाई हुई है। इसमें लेफ्ट वाली में आप देख लो येलो लाइट पे कैसी लग रही है, और राइट वाली में आप देख लो ये बिल्कुल हेडलाइट जलवाने के बाद हाई बीम, पता नहीं लो बीम मुझे याद नहीं है किस पे चल रहा था, उन दोनों पे चलते हुए की है। और भाई दीज आर जस्ट अमेजिंग, क्योंकि मैंने स्टॉक हेडलाइट्स वाली पहले की वीडियो नहीं बनाई हुई, बिफोर वाली, तो वो मैं दिखा नहीं सकता। ये मैं ऑल ऑफ सडन गया था और डलवा के आ गया था, उस टाइम मेरा वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं था सोचा हुआ था, बट हेडलाइट्स की मैंने इंस्टॉलेशन का वीडियो बना लिया ताकि आप लोगों को भी दिखाना हो दिखा सकूं, खुद के भी काम आ जाता है अगर कल को चेंज वेंज करनी हो, कुछ खुद करना हो। तो मैं रात में स्पेसिफिकली इसलिए गया ताकि रात में मैं हेडलाइट्स की थ्रो देख सकूं, बल्ब डलवा के देख लूं, बल्ब से खुश हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हेडलाइट्स अपग्रेड कर लूं। मेरे को बल्ब में इतनी खुशी मिल गई, मैंने हेडलाइट्स का पॉइंट ही छोड़ दिया, मैं करनी ही नहीं अपग्रेड। एक चीज़ बताता हूँ, विच इज इलीगल, विच इज यू शुड नेवर डू, और बीइंग रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर आपको इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मगर सामने से कोई जब हाई बीम करके आ रहा हो ना, तो आप उसको एक बार डिपर देते हो एज कर्टेसी रिमाइंडर कि भाई लो बीम कर ले, और जब मैं दे रहा हूँ ना तो मेरे को गाड़ी के अंदर दिख रहा है उनकी, मतलब लिटरली कैब्स के अंदर, बर्तों पर्दों के अंदर सब भाई, बोल बोल, इट्स लाइक अ फ्लड लाइट भाई। सच में मैंने एक इको स्पोर्ट को लाइट दी और मेरे को इको स्पोर्ट वाले का अंदर जितने बंदे बैठे थे सबके चेहरे दिख गए। उस टाइम आई वाज लाइक कि नहीं, मैं ये हाई बीम किसी को नहीं दूंगा, आई वॉन्ट बी दैट इररिस्पॉन्सिबल गाय जो लोगों को अंधा करता फिर रहा है सड़क पे। बट सच में लो बीम्स आर फाइन, लो बीम्स ठीक है, हाई बीम्स आर सो स्ट्रेच्ड कि आपको बड़ी दूर तक विजिबिलिटी मिलती है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये रात, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, रात को आपको सीधे दिखाता हूँ कि लाइट्स कैसी दिख रही है, और साथ ही आपको प्राइसिंग बता दूंगा। इट्स 8:16 PM राइट नाउ,
तो अब ये टाइम आ गया कि मैं आपको गाड़ी की लाइट्स दिखाऊं और आप लोगों को दिख भी जाए कि लाइट्स का क्या सीन है क्या नहीं। अब बात आती है कि प्रैक्टिकली हाईवे पे असली ढंग के कैमरे से, जिसमें आपने बाकी सारी फुटेज देखी, उस कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लाइट है। अभी गाड़ी की अंदर वाली लाइट ऑन है, जो इट इन इटसेल्फ इज प्रीटी ब्राइट। ये मैंने इसको ऑफ कर दिया। अभी मैं चल रहा हूँ लो बीम प्लस फॉग लाइट्स पे। इस टाइम मेरी DRL ऑन है जो ऑन रहती हैं, उसके बाद मेरी वो फॉग लाइट्स ऑन है जो ऑन रखी हुई हैं, उसके बाद मेरी लो बीम ऑन है। अब मैं करता हूँ हाई बीम। तो ये आ गई जी हाई बीम। अभी इतना बता दूँ, आई एम ऑन हाईवे जहाँ पे और भी बहुत सारी गाड़ी हैं और ऑल आर वेल लिट, फिर भी ये लाइट है जो कि मुझे लग रहा है सभी गाड़ियों की लाइट्स को ओवरपावर कर ही रही है टिल एन एक्सटेंट। मतलब कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो मेरे पैरेलल चले और उसकी लाइट्स मेरी वाली से ज़्यादा ब्राइट लग रही हो। जैसे हम कई बार नोटिस करते हैं हमारे पीछे कोई गाड़ी होती है उसकी लाइट्स ज़्यादा हमें अपनी वाली से ब्राइट लग रही होती है, वैसे भी मेरी वाली है। मुझे जूम करके दिखाना एक बारी अगली गाड़ियों में जिनके अंदर दिखाई दे रहा है हमारी लाइट्स से वो चीज़। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट दिस। हाँ, आप हाई बीम को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करिए तभी ही अच्छी चीज़ है, अदरवाइज दिस इज अ पीस ऑफ शिट। इसके बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फॉग लाइट्स ऑफ करके कैसा होता है। अभी हेडलाइट्स ऑन है, फॉग लाइट्स ऑफ, फॉग लाइट्स ऑन, फॉग लाइट्स ऑफ, फॉग लाइट्स ऑन, फॉग लाइट्स ऑफ, ये ऐसी लुक आ रही है। अभी ये टोटली सब कुछ बंद है। अभी मैंने ऑन किया फॉग लाइट्स और आपकी क्या बोलते हैं इसको, पार्किंग लाइट्स। इसके बाद ये आ गई लो बीम, ये आ गई हाई बीम। तो ऐसी सी कुछ लाइट आ रही है शॉर्टर डिस्टेंसेज में। लॉन्गर डिस्टेंसेज में आपको आगे दिखाऊंगा जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा। आगे अभी मेरी गाड़ी की लाइट्स कुछ ऐसी दिख रही हैं वाइल बीइंग ऑन हाई बीम, और हाई बीम पे मुझे इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि सामने वाले लेन से एक एक बंदा हाई बीम पे आ रहा है। तो जैसे मैं ये डाइवर्जन वाला बोर्ड क्रॉस करता हूँ, डाइवर्जन वाला नहीं एक्चुअली ये वाला कठुआ पुलिस वाला, ये देखो ये लाइट्स ऑफ है मेरी, टोटली ऑफ, एंड नाउ दिस इज माई हाई बीम। भाई इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और ये मेरी लो बीम है, ये भी ऑफ करके दिखा देता हूँ और ये भी ऑन करके दिखा देता हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करूँ while being a guy who is responsible enough कि मुझे सड़क पे दूसरों को अंधा भी नहीं करना, और मुझे अपनी थ्रो भी इतनी चाहिए कि मैं ब्लाइंड साइडेड ना रहूं, ताकि मैं रात को अगर ट्रेवल कर रहा हूं तो ठीक ठाक मेरे को विजिबिलिटी मिल रही है। हाँ, that I should be traveling with confidence. तो भाई I'm pretty satisfied with this output. Like अभी आप ब्रिज पे देख सकते हो कहाँ तक कितनी बढ़िया आउटपुट मिल रही है। I'll zoom in for you guys. करना? And this is like pretty good for me. Bhai, this is low beam. ठीक है, this is low beam now. Now this is low beam. This is just the fog lights. This is low beam again, and this is high beam. I'm pretty satisfied with the results. और इससे ज़्यादा मैं कुछ उम्मीद कर भी नहीं पाता। ये थी गाड़ी की हेडलाइट्स की थ्रो, जिसके बारे में आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी। पूरा दिन ही लग गया इसी वीडियो को शूट करने में, क्योंकि दिन के भी शॉट्स थे, रात के भी शॉट्स थे, जो भी सारी डिटेल्स थी मैंने अपने से जितना डिटेल्ड वीडियो रख सकता था मैंने रख लिया है। तो अब आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको लाइट्स कैसी लगी, ओवरडन लगी, कम लगी, ठीक लगी, ख़राब लगी। प्राइसिंग की बात करूँ तो द प्राइस आई हैव गॉट इज 14,000 इन टोटल, जिसमें 7,000 रुपये का एक पेयर था और गाड़ी में दो पेयर्स डले हैं, H7 के डले हैं या शायद H4 के डले हैं, वो मैं आपको अभी बॉक्स की पिक्चर अटैच कर रहा हूँ तो आप उसमें देख सकते हैं। बट हर प्लग साइज़ के हिसाब से प्राइस सेम ही है, कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं है, आप डलवा सकते हो किसी भी गाड़ी में। जस्ट दैट कि किसी गाड़ी में दो पेयर्स डलेंगे, किसी में एक, वो आपको खुद को देखना आपकी गाड़ी में कौन सा डलता है। और डिस्काउंट मेरे को कुछ नहीं मिला था, क्योंकि एक तो छोटा सा काम कराया था मैंने, ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम से करवाया था ये, तो उन्होंने डिस्काउंट वगैरह तो कुछ दिया नहीं। और तीसरा, आप लोगों ने अभी तक मुझे इतना बड़ा यूट्यूबर बनाया नहीं है कि मुझे कोई खास डिस्काउंट दे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक शेयर करो, ताकि मेरे को भी कुछ ऐसे डिस्काउंट्स मिले, मैं भी आप लोगों के लिए कोई डिस्काउंट कूपन ला सकूं। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, और हाँ 2 साल की वारंटी है, तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में किसी और डिटेल के साथ, किसी भी गाड़ी के बारे में। आपको जिस गाड़ी पर जो डिटेल चाहिए कमेंट्स में पूछो, भाई बताएगा, अच्छे से बताएगा, सब कुछ डिटेल में समझाएगा। तो चलिए, फॉर नाउ आई विल टेक यू लीव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।